दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रीम इलेवन में जो प्रोफाइल का सेटिंग होता है वो प्रोफाइल का सेटिंग आप कैसे कर सकते हो, कंप्लीट प्रोफाइल सेटिंग आप कैसे कर सकते हो। और ये सेटिंग दोस्तों हर एक यूजर को करना जरूरी होता है, मतलब कि आप चाहे आप कितने ही आपका अकाउंट पुराना क्यों ना हो, आपका अकाउंट कितना ही मतलब नया क्यों ना हो, आपको प्रोफाइल सेटिंग आपको करना ही पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हो और आपको बताते हैं कि आपको ये सेटिंग को आपको कैसे करना, क्या क्या करना, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आपको एक ये जो आपका प्रोफाइल का सेक्शन है, आपको सबसे पहले आपको इस प्रोफाइल के सेक्शन पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको दूसरे नंबर में दिखेगा माय इन्फ्लुएंस सेटिंग, आपको क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर आपका जो सेटिंग होगा, जो आपका प्रोफाइल सेटिंग होगा, कंप्लीट प्रोफाइल सेटिंग यहीं पर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको दिखता है परमिशन एंड सेटिंग ऑप्शन, और उसके बगल में आपको एरो का आपको बटन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितना भी यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये सारा चीज़ को दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग आपको ऑन कर देना है, ठीक है। आपको मतलब कि आप कौन सा रखना चाहते हैं, कौन सा नहीं रखना चाहते, पढ़ पढ़ के आपको उस हिसाब से आपको ऑन कर देना, ठीक है। बेसिकली इसको आप कर भी सकते, नहीं भी मतलब नहीं भी कर सकते, कोई भी यहाँ से दिक्कत नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ से आपको बैक आना है, बैक आ जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखेगा ऐप लैंग्वेज का सेक्शन। तो जो भी जो आपका लैंग्वेज होगा, जिस ऐप में आप जिस लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं, उस ऐप को सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपने लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको चार आपको लैंग्वेज मिलता है, चारों लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज को आपको ले लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बोलेगा नेम को यहाँ पर डालने के लिए, तो आपका जो भी नाम होगा, अगर पैन कार्ड को वेरीफाई किए होंगे तो यहाँ पर आपका नाम आपका ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर नाम नहीं वेरीफाई किए होंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम को डाल लेना, और एक बार से अगर नाम मतलब कि एक बार से ज़्यादा नाम अगर चेंज किए होंगे तो यहाँ ये जो आपका नाम है ये आपका नाम चेंज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपको आपको सेकंड में आपको दिखता है ईमेल एड्रेस डालने के लिए, तो यहाँ पर आपको सेकंड में क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपका ईमेल एड्रेस होगा, आपको अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल वाला बटन पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं या फिर वेरीफाई मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो फोन नंबर है, फोन नंबर भी यहाँ पर आपका मतलब पहले से आपका वेरीफाई होगा। अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस जो ये पेंसिल है इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको बोलेगा जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कि आपका जो जेंडर है मेल है तो मेल पर सेलेक्ट करना, फीमेल है तो फीमेल पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा, देख सकते हैं अब इतना चीज़ कर लेंगे तो यहाँ पर अब नीचे में आपको बोलेगा एड्रेस को डालने के लिए, तो जो भी आपका एड्रेस होगा आधार कार्ड में पैन कार्ड में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस को दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना, ठीक है। एड्रेस को आप डाल देने के बाद दोस्तों आपको नीचे में बोलेगा सिटी को डालने के लिए, मतलब कि आप कौन सा सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सा शहर में आप रहते हैं, उस शहर को यहाँ पर आपको आप सिंपली डाल देना, ठीक है। मतलब कि सिटी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में बोलेगा पिन कोड डालने के लिए, तो जो आपका पिन कोड होगा, जो आपके सिटी का या फिर जो आपके एरिया का पिन कोड होगा, उस पिन कोड को यहाँ पर आपको डाल देना। पिन कोड को दोस्तों आप जैसे डाल दोगे तो आपको नीचे में आपको बोलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट आपको मतलब कि आपको डालने के लिए बोलेगा, मतलब आप कौन सा राज्य से आप रहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर ये जो एरो है इस पर क्लिक करके आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको मतलब सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप ये जो नीचे में आपको ये कंट्री आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, उसके बाद बस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो अपडेट प्रोफाइल है बस आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो जो आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपका अपडेट हो जाएगा, और जो भी आपका सेटिंग हो प्रोफाइल सेटिंग, बस इतना ही सेटिंग आपको करना पड़ता है अपने प्रोफाइल में, कंप्लीट प्रोफाइल सेटिंग में आपको बता दिया हूँ। तो इस तरह से आप लोग जो आपका ड्रीम इलेवन है, ड्रीम इलेवन में कंप्लीट प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे, बाकी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।